नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं नीतू चौहान। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत को चांद पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाएगा। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोटा से उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी की है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के प्रमुख A.S. सोमनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की अहम जानकारियां साझा की हैं। चंद्रयान 3 अभियान का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर पहुंच गया है। इस लैंडर में रोवर भी है जो चंद्रमा का अध्ययन करेगा। इस रोवर का नाम प्रज्ञान है। A.S. सोमनाथ ने कहा कि प्रज्ञान रोवर जल्द ही बाहर आएगा और इसमें एक दिन भी लग सकता है। इसमें से कोई यंत्र भी निकलेंगे जिसमें रंभा शामिल है। रंभा चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा। ये रोवर दो अहम अध्ययन करेंगे जिसमें सबसे पहला लेजर से उस जमीन का अध्ययन करना शामिल है। इसके साथ ही उसके रसायन को भी जानने की कोशिश की जा रही है। इसरो चीफ ने बताया है कि इस अभियान की सबसे मुश्किल घड़ी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ना था और फिर दूसरी मुश्किल घड़ी इसको चंद्रमा पर लैंड कराना था। इसी के साथ ही उन्होंने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के ग्राउंड स्टेशन को भी शुक्रिया अदा किया है। सोमनाथ ने बताया है कि कई विदेशी एजेंसियों ने भी इसमें मदद की है जिसकी वजह से इस अभियान में सफलता मिल पाई है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख A.S. सोमनाथ ने अभियान की सफलता की घोषणा की। इसरो चीफ ने पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पीएम से हमें आशीर्वाद देने को कहूंगा। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे परिजनों जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती हैं। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जय घोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का क्षण है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का क्षण है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत की नई ऊर्जा नई चेतना का है। पीएम मोदी ने कहा इसरो ने वर्ष तक इस पल के लिए इतना परिश्रम किया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूँ कि मैं हमारे विज्ञानों के परिश्रम को प्रतिभा से चंद्रमा के उस दक्षिण ध्रुव तक पहुँचा है जहाँ दुनिया का कोई देश नहीं पहुँच सका। अब चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे और कथानक बदल जाएंगे, नई पीढ़ी के लिए कहावतें बदल जाएंगी। उन्होंने चंद्रमा 3 की सफलता की बधाई के लिए इसी के साथ इसरो के एक मिशन की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए भी इसरो आदित्य L1 मिशन शुरू करने जा रहा है। इसी के बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्य में से एक है। गगनयान के जरिए हाई मून मिशन भी है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि उड़ान की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे। ये दिन हम सबको उज्जवल भविष्य की प्रेरित करेगा। तो ऐसे ही बने रहे तमाम खबरों के साथ और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।